प्रभास डायलॉग बोलते वक्त जितना एक्सप्रेशन देते हैं ना उससे ज्यादा एक्सप्रेशन सुबह संडास में एक आम व्यक्ति शौच करते वक्त दे देता है। मेरी जो और बवासीर का मरीज हो तो क्या ही बात उसके एक्सप्रेशन के, क्या ही बात। मोटी थूत का दरियाई केंडा प्रभास, जैसे उबला हुआ आंट की नई मूवी आ रही है। ये एक रोमांटिक हॉरर मूवी है राजेश साहब, एक पैन नहीं, ये एक फैन इंडिया मूवी है। क्यों, राजस्थान के कोटा में शूट हुई थी क्या? प्रभास को रोमांस करते देखना वैसे ही है जैसे इस ठरकी लौंडे को दारू पीते देखना है। बहुत खतरनाक है भाई, नशा चला है तेरे को, नशा चला है तेरे को, पेट तो पूरा बाहर निकल गया यार, पेट तो पूरा बाहर निकल गया यार पूरा। कई बंदे कह रहे प्रभास की लास्ट मूवी कल की, मतलब कल की को हिट कराना प्रभास का बहुत बड़ा हाथ है। अरे प्रभास का कल की को हिट कराना उतना ही बड़ा हाथ है जितना रणवा सिंह की वाइफ दीपिका त्रिकोण को प्रेग्नेंट करने में रणवा सिंह का हाथ है। सेम वैसी और अमिताभ बच्चन का उतना ही बड़ा हाथ है कल की को हिट कराने में जितना जॉनी सिंह को इस तरीके से दीपिका त्रिकोण को प्रेग्नेंट करने में हाथ है, उनके कच्चे में हाथ है। सेम वैसी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि किसी मूवी में प्रभास की थूत देखना भूत को देखने से कम है क्या? उनकी डायलॉग डिलीवरी देखना कॉमेडी मूवी देखने से कम है क्या? क्या उनकी इस तरीके से रोमांटिक सीन देखना ट्रेजेडी सीन देखने से कम है क्या भाई? राजा साहब और इससे पहले राधेश्याम, प्रभास की रोमांटिक लव स्टोरी मूवी जैसे राधेश्याम में प्रभास और पूजा हेगड़े की लव स्टोरी देखने से अच्छा है ना कि मैं दीपक कलाल और राखी सावंत का प्यार देख लूं और ये ठरकी दारूबाज गेम मरी पिस्तौल की ना लव स्टोरी देख लूं। राधेश्याम प्रभास का इस तरीके से प्यार और इमोशनल सीन देख के आंखों से आंसू ने पिछवाड़े से छींक निकल गया था। इस मूवी का नाम है जो आने वाली है राजा साहब। इससे पहले आदि पुरुष प्रभास की मूवी आई थी जिसमें प्रभास की उबली हुई आ रही थी शक्ल देखे बच्चों ने थिएटर में इतनी तेज रफ्तार से पैंट गीली और पीली करनी स्टार्ट कर दी थी कि डर पर कम पड़ गए थे। तो मैं इसी तरीके से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर राजा साहब तुम थिएटर में रिलीज करते हो क्या जो हॉरर मूवी है और उसमें भी उबली हुई आड़ मतलब प्रभास है तो यार डायपर फ्री कर देना बच्चों के लिए वरना लीकेज कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। बस आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते, कार्यक्रम देख के मजा आया हो तो थोड़ा पेट बाहर आ रहा है आपका मतलब सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मैं निकलता हूं, मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, निकलते हैं।